कि तुई काली तुई काल काई और तुई कालन को काल सुलज्जा मेरी राखियो खेरे की रछिपाल तू मैया मेरी सरस्वती आइयो हंस सजाई आई बिराजो कंठ पे सुमोए दे जइयो नेक ज्ञान और क्या अरे मेरी मैया सभा में नेक आ जइयो भोरी मैया मेरी मैया सभा में नेक आ जइयो भोरी मैया आइए भक्तों आप श्रवण करेंगे सत्यभान सावित्री का किस्सा शास्त्री लता यादव की आवाज में वर्मा केशट के माध्यम से और
तो धुमति से निरण धीरयति शाल्व देश भूपाल निज घर रानी शैव्या सुशक्ति भान एकलाल। धुमत सेन महाराज शाल्व देश के रहने वाले थे। उनके घर में रानी शैव्या और सत्यभान एक पुत्र था। के देव योग कर्म गति से नृपति हुए नबीन है मोखा पाए दुश्मनों ने सो लियो राजपाट सब छीन है। कि रानी सुतयुत निकल पड़े गए जंगल में आई है कंदमूल फल खाए के गुजर रहे बसर बिताई है। उनका राजपाट सब छिन जाता है, नेत्रहीन हो जाते हैं और राजपाट को छोड़ करके जंगल में निवास करने लगे। इधर सत्यभान नौजवान हो जाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, लकड़ी बीन करके लाता है, लकड़ी बेच करके वो गुजारा करता है। इधर में मध्य देश के राजा यशपति थे, उनकी सुता शयानी हो जाती है जिसका नाम सावित्री था। मध्य देश के राजा यशपति सावित्री के लिए वर ढूंढते हैं लेकिन उनके लिए वर नहीं मिलता है। राजा बड़े ही व्याकुल होते हैं। रानी एक दिन कहने लगी, महाराज आप सोचो घर में क्वारी कन्या है, कन्या का भार झेलना कितना मुश्किल है। रानी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जगह जगह ढूंढा है लेकिन नहीं मिला। जगह जगह पत्र भिजवाए, जगह जगह राजकुमार ढूंढे लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। इससे मैं भी बड़ा व्याकुल हूं लेकिन क्या करूं। आज महाराज अपनी सुता को बुला करके दुखित तो होकर के कहने लगे, हे बेटी एक बात सुनो। सावित्री बोली, हाँ पिताजी क्या कहना चाहते हो। तब कहा, बेटी सुनो, खुद बर को बेटी ढूंढो, खुद बर को बेटी ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योगी कुमार नहीं पायो, कर देता कन्यादान। खुद पर को बेटी ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योगी कुमार नहीं पायो, कर देता कन्यादान। और राजा ने क्या कहा, अज्ञा है मेरी बेटी रथ सजवाओ, मेरे कहे पे बेटी मत शर्माओ। अज्ञा है मेरी बेटी रथ सजवाओ, मेरे कहे पे बेटी मति शर्माओ। और लाखों थे मेरे दिल में, लाखों थे मेरे दिल में, सब दूर गए अरमान, तेरे योगी कुमार नहीं पायो, कर देता कन्यादान।
कहा बेटी, विधि के विधाता ने कहा लिख डाला, वरना पड़ेगा वर तुझे को निराला। विधि के विधाता ने क्या लिख डाला, पर ना पड़ेगा पर तुझे को निराला। और अब रही न मेरे बस की, अब रही न मेरे बस की, तेरी सदा है पहचान, तेरे योग कुमार नहीं पायो कर देता कन्यादान। सुने कर वचन दुखी भई रानी, बरसा रही थी दोनों आँखों से पानी। सुने कर वचन दुखी भई जेठ सुता की रोई, हर जेठ सुता की रोई, सह तूने दुख महान, तेरे योगी कुमार नहीं पायो कर देता कन्यादान। खुद पर को बेटी ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योगी कुमार नहीं पायो कर देता कन्यादान। आज राजा अपनी बेटी सावित्री को हुक्म देते हैं, इधर में क्या होता है, मैया बहुत दुखित है, हृदय से लगा करके अपनी बेटी को आंखों से आंसू बरसाती है और बेटी को धीर बनाती है। बेटी क्या करें, हम दोनों मजबूर हैं, तेरे को देखकर कोई भी शादी करने को स्वीकार नहीं करता। अब बेटी ये तो अपनी ही, खुद तू अपनी तकदीर को चुन ले और इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं है, तुम अपना खुद देखो। बोली माँ मैं जाती हूँ। हाँ बेटी, अपनी संग सहेलियों को साथ लेती जाओ, ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। किस्सा बित्री ले सखियन कौन रथ में भई सवार, बर ढूंढने को चल दई सुमन में धीरज धारी। रथ हाके चली लाढ़ो तुरत पहुंची सखियन दरम्यान है, ढूंढत फिरे वो दर बदर आखिर हुई है रान है।
कुल रजवाड़ों में फिरती नई पर को मिलो निशान है। बियाबान में एक वृक्ष पर सो लकड़ी काट रहे शतिवान है। सब जगह गई वो बिचारी लेकिन कहीं वर नहीं मिला, उदास हो गई। इधर मैं लौट करके आ रही थी, बियाबान जंगल में क्या देखती है, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। इसी पर सावित्री की नजर पड़ी और कहने लगी, बहना रथ को रोक लो, मेरी मंजिल शायद मिल गई। बोली क्या, कहां रोको। ये देख करके कि ओ मेरी सखी शयानी तू सुन ले मेरी वाणी, दिला हुआ मेरा निशार है, लकड़हारे को बना हो बरतार है। मेरी सखी शयानी तू सुन ले मेरी वाणी, दिल हुआ मेरा निशार है, लकड़हारे को बना हो बरतार है। राजा जैसो कुमार सखी ये काट रहो लकड़ी वन में, सुंदर सुगण है जाकी सूरत राहू चैन पाहू जाकू पिया बनाऊ ठानी ठानी, बनूंगी जाकी रानी हुआ मुझे प्यार है, लकड़हारे को बनाओ परतार है। जाती है राजमहल की जानी बूझ के काहे मरे, अरे सखी कहे यूं सुने सावित्री क्यों तू करे।
दीन भिखारी है लाचारी, काहे को है रही बारी, दर्द गिलानी क्यों करती जीवन खार है। लकड़हारे को बना हूँ बरतार है, की शयानी तू सुन ले मेरी बानी, दिलहुआ मेरा निशार है। लकड़हारे को बना हूँ बरतार है, शकी बोली हाय तू जो दीन भिखारी के संग शादी करेगी, जो लकड़ी बेच बेच कर गुजारा करता है, हाँ? इतने शब्द सुने हैं तो सावित्री कहने लगी ओरी बहना तू मोए बता, बातें बनाए वो ना सिखावे, देख मैंने जो अपनी नजर भर के देखा है इसे बातों ते करने से क्या होता है। बोली बहना तेरे मन में ये आ गया, हाँ। और आगे बढ़कर के सावित्री क्या कहती है, सत्यभान ब्रज के ऊपर लकड़ी काट रहे हैं। सावित्री पहुंची कि उत्तर ब्रज से आइए तुम मेरे गुरफाम, है मेरा कुछ आपसे सो बहुत जरूरी काम। सत्यभान कहने लगे ओ देवी हमसे तुम्हारा क्या काम हो सकता है, हमें क्यों बुला रही हो, क्या काम है। कारीगारी बस तेरी चतुराई लीनी जाने है, तेरी बातों में मेरा सुनाहक होने कुशान है। सत्यवान कहने लगे देखो मैं सब जानता हूं। बोली नीचे तो उतर आइए। सत्यवान ने कहा तुम मुझे बातों में बहला रही हो, का नहीं नीचे आइए। सत्यवान बोले कि आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे पता है कि तुम किस लिए बुला रही हो। का क्या, मैं समझ गया हूं सब जाल तेरा, तू अपना काम करवावेगी। मैं समझ गया सब जाल तेरा, तू अपना काम करावेगी। तेरे भूखे घोड़े खड़े रथ में देखी मुझ पे घास खुद बावेगी। सत्यभान ने कहा देखो मैं सब समझ चुका हूं कि तुम क्यों बुला रही हो। सावित्री ने कही नहीं अरे नीचे तो आओ, तुम जल्दी आओ उत्तर ब्रज से, अरे ना कछु काम कराऊंगी। हम तुमसे मिलती जोड़ी है मैं तुमको पति बनाऊंगी। तुमसे मिलती जोड़ी है मैं तुमको पति बनाऊंगी। का उतर आओ नीचे। सावित्री के सत्य वचन सब गए वो जानी, नीचे उतरे पेड़ से तो कहने लगे बयान, तुम
तुम हमसे शादी रचाना चाहती हो? हाँ। सावित्री के मुख की ओर देखने लगे शत्रुघ्न। बोले, देवी कहीं ये मजाक तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब शत्रुघ्न ने कहा, देखो हमारी भी एक शर्त है। सावित्री बोली, क्या? तब शत्रुघ्न बोले कि ऐसे ना ब्याहूंगा, कुटिया ले जाऊंगा, माता पिता से तेरी बातें कराऊंगा, कर ले चल के बात शादी तब हम करेंगे, कर ले चल के बात शादी तब हम करेंगे। ऐसे ना ब्याहूंगा, कुटिया ले जाऊंगा, माता पिता से तेरी बातें कराऊंगा, कर ले चल के बात शादी फिर हम करेंगे, कर ले चल के बात शादी फिर हम करेंगे। शत्रुघ्न ने कहा, कुटिया पे तुम्हें जानो है, मोकु वचन सुनानो है, हमसे शादी करने को माता पिता को समझानो से। शत्रुघ्न सावित्री को लेकर के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। जाकर जैसे ही सभी समाचार बताए तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। आज जब उनके माता पिता राजी हो जाते हैं, सावित्री अपने घर पर पहुंच जाती है, अपने पिता को जाकर के बताया तो पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर में नारद जी आ जाते हैं तो नारद मुनि ने कहा, हे राजन,
जो तुम्हारी बेटी वर देख करके आई है, बड़ा शील है, सुजान है, ज्ञानवान है, तपस्वी भी है, पर थोड़ी कसर है। क्या है? शादी तो हो जाएगी सावित्री की, परंतु एक वर्ष का ही जीवन बाकी रह गया। कैसे भी हो सके तो अपनी बेटी को मना लो, अगर मान जाए तो ठीक है। आज सबको सावित्री जान चुकी है, लेकिन हट पड़ जाती है, बोली, कुछ नहीं पिताजी, पतिव्रता जो नारियां होती हैं, वो केवल मन से एक ही बार पति चुनती हैं, दोबारा नहीं चुनती। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उन्हीं को अपना पति मानूंगी और उन्हीं के साथ में जीवन व्यतीत करूंगी। आज उनके माता पिता कुटिया पर ले जा करके उनका हाथ हाथों में थमा देते हैं और उसी कुटिया पर बेटी का कन्या दान लेते हैं कि लेकर चले सुता को गए आश्रम पर आई, दान दियो निज पुत्री को सुतियो हाथ थमाए। जब माता पिता कन्या दान किया, अब लौटते हैं तो सावित्री को कैसे समझा रहे हैं। कहा, बेटी कि बाबुल की दुआएं हैं तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार है। हे बेटी, बाबुल की दुआएं हैं तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार रहे। निज सास ससुर की सेवा कर और अमर तेरा भरता रहे। सास ससुर की सेवा कर और अमर तेरा भरता रहे। और कहते हैं, बेटी अब तेरे जो भी भाग्य की बात है, सौभाग्य से तूने भर पाया, दुर्भाग्य मैंने कष्ट सहे। सौभाग्य से तूने वर पाया, दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। दर्द जुदाई का सह लूंगा और दर्द जुदाई का सह लूंगा, जा बेटी जा ससुराल रहे। हे बेटी, बाबुल की दुआएं हैं तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार रहे।
निज सास ससुर की सेवा कर और अमर तेरा वरदार रहे। और कहा बेटी सजना के हंस हंस के दुख को तू सहना। जो दुख भी मिले संग सजना के हंस हंस के दुख को तू सहना। विध की ये कैसी विधना है, विध की ये कैसी विधनाएं, उछड़े को ये श्रृंगार मिले। बाबुल की दुआएं हैं तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार है। निज सास ससुर की सेवा करे और अमर तेरा भरतार रहे। आज सावित्री के पिता आशीर्वाद देके वापस आ जाते हैं। इतर में धीरे धीरे गुजर करने लगे। उधर में जो नारद जी का वचन था वो सावित्री के हृदय में चुप रहा था। एक एक दिन कैसे गुजारते थे सत्यभान के बारे में सोचती रहती है। और क्या होता है कि जति ही सती वो नरी स्त्री और सत्यभान और सावित्री। जति ही सती वो नरी स्त्री सत्यभान और सावित्री। हाँ गुजर बसर वो करते थे विकट बनी में रहते थे। जति सती वो नरी स्त्री सत्यभान और सावित्री। और महलों की मलिका सावित्री वो नारे सत्यभान को बना लिया वरदार। की मलिका सावित्री वो नारे सत्यभान को बना लिया वरदार। हाँ
हाँ बिकट बनी में सहरई कष्ट हजार, लकड़ी काटत तो बन गई लकड़हार। और एक दूजे के दुख हरते थे, कष्ट हजारों सहते थे, सती जती और नर स्त्री, सत्य भानई और सावित्री। और हाँ एक एक करके बीती रहे हर मास, सावित्री हूँ हो रही उदास। हाँ एक एक करके बीती रहे हर मास, सावित्री यूँ हो रही। बारे बाबो महीना आया था, उसी समय में उड़ गई भूख प्यास। और अरे प्यार वो दोनों मरते थे, दिल की वो ये सहते थे, सती जती वो नर स्त्री, सत्यवानई और सावित्री। गुजर बसर वो करते थे, बिकट बनी में रहते थे, सती जती वो नर स्त्री, सत्य भामई और सावित्री। आज वो देखती है तो बारह बार महीना लग जाता है, तो साल में जब तीन दिन शेष रह गए तब वो पतिव्रता सूर्य का व्रत करती है, जिसे निर्जला व्रत कहते हैं। दो दिन रह जाते हैं तो व्याकुल होती है, तीसरे दिन सत्यभान लकड़ी काटने जब जाता है तो आज सावित्री हट पड़ जाती है और कहने लगी है, नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यभान मने करता है नहीं, लेकिन हट पड़ जाती है। तब सत्यभान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है चलो। इधर में सत्यभान बियाबान जंगल में पहुंच जाता है तो वृक्ष पर जब चढ़ जाता है लकड़ी काटने के लिए, इधर नीचे सावित्री खड़ी है। लकड़ी काटने को चलो धुमति सेन को लाल, डाली काटत में दयो सो फरसा नीचे डाल। लकड़ी काटते ही फरसा नीचे गिरा दिया और सिर में दर्द होने लगा। कहने लगा है, प्यारी जाने मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है। आज उस पीड़ा को सावित्री जान चुकी है और बोली, नीचे उतर आइए। पेड़ से नीचे उतर गया, गयो अंधेरो छाई, सावित्री की गोद में सो सोएगो सिर को दबाई। आज सत्यभान नीचे उतर के सावित्री की गोद में सिर रख लेते हैं और सो जाते हैं। सावित्री सिर को दबा रही है। क्या हुआ भक्तो, यमराज के जैसे ही देखा तो आ जाते हैं, सत्यभान के प्राणों को खींच लेते हैं। एकदम से करा आह,
सावित्री बोली, क्या हुआ नाथ, क्या हुआ? पतिव्रता ने देखा तो सामने यमराज नजर पड़े। यमराज को देख करके शती के तेज को और मुड़ के चल देते हैं, तो सावित्री पीछे खड़ी है और चल देती है, देखती है, रुधन करती है और सावित्री कहती है, और सो गए सुख की नींद में साजन, हाई मुकद्दर फूट गया। सो गए सुख की नींद में साजन, हाई मुकद्दर फूट गया। किस गलती किस पाप के कारण हाई विधाता लूट गया। सो गए सुख की नींद रे साजन, हाई मुकद्दर फूट गया। सावित्री कहती है, नाथ तुम मुझे छोड़ करके चले गए, तुमने वादा किया था मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ करके चले गए, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी नाथ? और कहती है, तीन दिवस रखा व्रत मैंने, पश्चाताप किया। तीन दिवस रखा व्रत मैंने, ताप प्रताप किया। भजन किया नितनेम धर्म से, रात दिना हर जाप किया। भजन किया नितनेम धर्म से, रात दिना हर जाप किया। तुमको मंजूर नहीं था साजन का संग छूट गया। सो गए सुख की नींद रे साजन, हाई मुकद्दर फूट गया। और कहती है सावित्री, है नाथ जाओगे यमराज जहां भी, जान न जाने मैं दूंगी।
चढ़ गई ये दुनिया मेरी, काल सुहाग लूट गया। उजड़ गई है दुनिया मेरी, काल सुहाग ये लूट गया। सो गए सुख की नींद रे साजन, हाये मुकद्दर फूट गया। किस गलती किस पाप के कारण हाई विधाता लूट गया। सो गए सुख की नींद रे साजन, हाये मुकद्दर फूट गया। जब यमराज लेके चले हैं सावित्री, रोती बिलखती, ठहरो ठहरो मेरे स्वामी को, आत्माओं को कहां लेके जा रहे हो? कौन हो देवी, क्यों आ रही हो मेरे पीछे? लौट जाओ ना। नहीं, ऐसे कैसे लौटूं, ऐसे नहीं लौट सकती। और सावित्री कहती है, सावित्री तुम करती पुकार, जाते कहाँ हो के सवार, दे दो पति के प्राण मेरे यमराजा। और सावित्री कहती है, जा रहे हो कहाँ तुम प्राण लेकर के पति के हमारे, दे दो प्राण वापिस न जाओ पति चरणों में अब तो तुम्हारे। पति के हमारे, दे दो प्राण वापिस न जाओ प्रति चरणों में अब मैं तुम्हारे। अरे जाओ वहाँ आहूँ कहाँ, जाओ वहाँ जाऊँ कहाँ, दीनिए ठानी मेरे यमराजा, दीन ठानी ठानी मेरे यमराजा।
सावित्री कहती है, मैं ना जाऊंगी वापिस लौट कर, संग ले करके जाऊं पिया को। हाय प्राण चले ले करके चले, हाय प्राण चले ले करके चले, पति मेरे भगवान है मेरे यमो राजा, मेरे पति भगवान मेरे यमो राजा। यमराज कहने लगे, पीछे लौट जाओ देवी, मैं तुम्हारे पति को नहीं दे सकता। सावित्री ने कहा, मैं बिना पति के जा नहीं सकती, मैं कैसे चली जाऊं, मेरे प्राणनाथ को तुम लेके जा रहे हो, भला मैं कैसे रह सकती हूं। यमराज बोले, देवी आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकता, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। यमराज से सावित्री कहने लगी, सुनो मेरे भगवान, देना हो तो दे दो स्वामी मुझे तीन वरदान। तीन वरदान मांग रही, बोलो। कहा, देखो पहले बार में मेरे सास ससुर की आंखों को अच्छा कर दीजिए। बोले तथास्तु। का दूसरा वर मांगो। का दूसरा वर मेरा यह है कि मेरा जो राजपाट छिन गया है उनसे लाकर के हमें वो वापिस मिल जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारा राजपाट तुमको मिल जाएगा। तीसरा वरदान है, क्या चाहती हो। सावित्री ने कहा, देखो अगर वर देना चाहते हो तो मेरे 100 पुत्र हो जाएं। बोले तथास्तु, दिया। वरदान देकर के यमराज चल दिए, पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। मुड़कर के देखा, कहा वापिस नहीं गई हो। सावित्री ने कहा, कैसे चली जाऊं, अभी तुम वापिस नहीं गई। नहीं, कहा प्रभु ये तो आप ख्वाहिश है मेरी कि देकर के भी आप भूल गए। और बोले, बचन दिए हैं आपने क्यों रे स्वामी तोड़े, क्यों ले जाते प्राणपति, दो पति हमारे छोड़े। पहले आपने कहा था
तो यमराज बोले कि मैंने तुमसे कहा नहीं चुका हूँ कि पति तुम्हारे को नहीं दूंगा, जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, मैं कैसे आत्मा को वापिस कर दूं। तब देखते हुए और सावित्री बोली, महाराज सुनो कि मैं सजनी हूँ साजन की, मैं सजनी साजन की, मैं सजनी कैसे बनूंगी मैया बचन की, मैं सजनी और सावित्री कहती है, महाराज थोड़ा सोच तो लो, बिना पिया के ना वो तो फरेगी इकली दासी कैसे करे, बिना पिया के ना पुत्र फरेगी इकली दासी कैसे करेगी, और दासी पति के चरणन की, मैं सजनी हूँ साजन की, राज किए हैं वापिस पति के प्राण दिए हैं, बेबस देखी हम राज किए प्राण दिए हैं, शोभा बड़ी घर आंगन की, मैं सजनी हो साजन की, आज भक्तों ये सब सुने तो आज यमराज हार गए, सती की जय जय कार करने लगे, धन्य हो तुम धन्य हो, आज भी तूने अपनी बाचा में मुझे फंसा लिया, तेरे स्वामी को मैं वापिस देता हूं, अब तू लौट जा। ले पति सावित्री गई
अपने महलन आई। श्रद्धा से सावित्री भई शो गाता जग रहो गाई। ये देख करके और सावित्री अपने महलों में आ जाती है और इस लीला को यही हम समापन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। यति प्यारी सब दुनिया में रही अवच्छाए। अरे लता शास्त्री जो नाम हमारो भैया नाम से ले पहचान। चिला आगरा में है पड़ता महाराज पूरा मेरा शुभ स्थान। ओ रे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। बंसी वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ओ रे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी